तो स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में। गाइस मैंने एक वीडियो बनाई थी पोवेल सेफरेंको के ऊपर, जो कि मुंबई सिटी एफसी के न्यू स्ट्राइकर होने वाले हैं। सो गाइस पूरी तरीके से कंफर्म है वो मुंबई सिटी एफसी में, क्योंकि मुंबई सिटी एफसी ने न्यू फिटनेस कोच को साइन किया है जिनका नाम है डेनिस कवान। वो भी उसी क्लब से आ रहे हैं जहां पर पोवेल सेफरेंको खेल चुके हैं। सो गाइस लास्ट क्लब है डेनिस कवान का सेफसी यूएसके, एंड पोवेल सेफरेंको का भी लास्ट क्लब है सेफसी यूएसके। सो आपको पता ही होगा सुपर लीगा का फर्स्ट टायर क्लब है सेफसी यूएसके, एंड दोनों ने ही छोड़ दिया है इस क्लब को और दोनों ही कंफर्म होने जा रहे हैं मुंबई सिटी एफसी में। डेनिस कवान को ऑलरेडी साइन कर लिया है, एंड भाई पोवेल सेफरेंको भी बहुत जल्द अनाउंसमेंट कर दी जाएगी उनकी और साइनिंग हो जाएंगे न्यू स्ट्राइकर ऑफ मुंबई सिटी एफसी पोवेल सेफरेंको। आपको पता ही होगा कितने टैलेंटेड, कितने बेहतरीन खिलाड़ी हैं, कितने अच्छे प्लेयर हैं, बहुत ही ज्यादा अचीवमेंट्स ट्रॉफी के साथ में आ रहे हैं एक्सपीरियंस लेकर मुंबई सिटी एफसी में। सो हम कह सकते हैं पोवेल सेफरेंको आमची पोवेल सेफरेंको। सो गाइस अब एक और न्यूज है, क्लिफर्ड मिरांडा जो कि मुंबई सिटी एफसी के न्यू असिस्टेंट कोच होने वाले हैं। सो आपको पता ही होगा पिछली बार वो मोहन बगान की साइड से असिस्टेंट कोच रहे थे, एंड अभी मुंबई सिटी एफसी में वो कंफर्म हो चुके हैं, क्योंकि मुंबई सिटी एफसी ट्रॉफी लेकर आई है मोहन बगान से जीतकर। सो भाई क्लिफर्ड मिरांडा को भी, क्लिफर्ड मिरांडा मुंबई सिटी एफसी को पसंद आ गए तो वो भी अब जा चुके हैं मुंबई सिटी एफसी में। सो गाइस पोवेल सेफरेंको कंफर्म है मुंबई सिटी एफसी में। सो टेंशन लेने वाली बात नहीं है, न्यू स्ट्राइकर आ रहे हैं रिप्लेसमेंट ऑफ परेरा डियास। सो थैंक यू गाइस।